आप जिससे प्यार करते हो वो आपको धोखा देकर भाग गया, अगर वो बहुत सालों बाद आपके सामने आया तो आप क्या करोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी इनविटेशन 2020 की इसी स्टोरी लाइन पर बेस्ड एक कोरियन मूवी है। इस मूवी के बारे में ज्यादा बताना एक स्पॉयलर हो जाएगा, तो डायरेक्टली वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम हम वॉल्टर रखेंगे, उसे एक कॉल आता है। इस कॉल से हमें पता चलता है कि उसके घर पर कोई 3 दिनों में आने वाला है। इस कॉल की वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब था। आज रात उसे सही से नींद भी नहीं आई। जिसका कॉल आया था उसे वॉल्टर को छोड़े हुए 17 साल हो चुके हैं। हर दिन वॉल्टर ने गिना है। वॉल्टर जहाँ पर रहता है वहीं पर एक मास्टर भी रहते हैं। उसे अब नींद आ नहीं रही थी तो उन मास्टर के पास वो चला गया। उन्हें वो कुछ बनाने के लिए कहता है। मास्टर कहते हैं कि बनाने में जरा देर लगेगी पर टाइम में वो कर पाएंगे। यहाँ पर मास्टर को भी पता था कि वो आ रही है। वॉल्टर से जो मिलने वाली है उसका नाम हम स्काइलर रखेंगे। 3 दिनों में स्काइलर आएगी तो सारे घर की साफ सफाई वॉल्टर करता है। उसके साथ जब स्काइलर थे तो जैसा घर था उसी तरीके से फिर से रिक्रिएट करना चाहता है। वो मास्टर के पास आया। उसने कहा, यहाँ पर एक पेंटिंग थी, मैंने तुम्हें उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा था, पर मास्टर ने इसे सेव करके रखा है। ओरिजिनल इस पेंटिंग का जो आर्टिस्ट था उसे उसने पेंटिंग वापस कर दी थी। अब वॉल्टर उस आर्टिस्ट के पास जाता है। यहाँ के रास्ते सब कुछ देखकर वॉल्टर को फिर से स्काइलर की याद आती है। उसे याद आता है कि जब वो एक साथ थे तो हमेशा यहाँ आया करते थे। आर्टिस्ट के पास जिस पेंटिंग को लेने के लिए जा रहा है वो पेंटिंग भी उसने स्काइलर के साथ खुद पेंट हुए देखी थी। अब वॉल्टर आर्टिस्ट के पास आया। उसे कहता है कि आपके पास वो पेंटिंग है। आर्टिस्ट पूछता है, तुम्हें क्यों चाहिए, क्या वो वापस आ रही है? वॉल्टर कहता है कि हाँ। आर्टिस्ट पूछते हैं कि तुम उससे चाहते क्या हो? वॉल्टर कहता है, मुझे उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आर्टिस्ट कहते हैं कि इससे कुछ भी तुम्हें फायदा नहीं होगा, जो पेंटिंग तुमने मुझे दी थी वो मैंने जला दी है। वो वॉल्टर को वार्न करते हैं कि स्काइलर बहुत ही डेंजरस है, उसे दूर रहना ही सही होगा। इनकी मीटिंग खत्म हो गई और फिर वॉल्टर वहां से चला गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को स्वॉर्ड फाइट की कॉम्पिटिशन में देखते हैं। उसके साथ उसकी मदर भी है। इस लड़के की मदर ही हमारी स्काइलर है। ये सिटी में आ चुके हैं और एक होटल में है। स्काइलर रेडी होकर नीचे जाकर ड्रंक होने वाली थी। ये उसके बेटे को पसंद नहीं आया। उसके बेटे का नाम हम फ्लिन रखेंगे। स्काइलर कहती है कि मैं बहुत सालों बाद इस टाउन में वापस आई हूँ, मुझे अच्छा दिखना है। थोड़ी देर में फ्लिन भी नीचे आ गया। स्काइलर से पूछता है कि हम ये सब अफोर्ड कैसे कर सकते हैं, हमारे पास तो इतने सारे पैसे भी नहीं है। स्काइलर कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर बहुत ही रिच है। फ्लिन को अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ भी पता नहीं था तो पूछता है, मुझे उनके बारे में और भी कुछ बताओ। स्काइलर कहती है कि वो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे। फ्लिन पूछता है कि अगर उनके पास इतने पैसे थे तो हम यहाँ वहाँ क्यों भटकते रहते हैं। स्काइलर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसने कुछ तो बहुत ही बुरा किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वॉल्टर सब उसकी पुरानी चीजें देख रहा था। इन चीजों में एक फोटो थी जिसमें वो स्काइलर और उसका ब्रदर था। उसके पास एक टेप भी है जिसे अब तक उसने सुना नहीं है। अगले दिन फ्लिन डायरेक्टली वॉल्टर के पास आया। वॉल्टर को फ्लिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और फ्लिन कहता है कि मैं आपके ब्रदर का बेटा हूँ, यानी कि वॉल्टर उसका अंकल है। वॉल्टर ने फ्लिन को कहा कि अगर तुम यहाँ अपने फादर को ढूंढ रहे हो तो उनकी डेथ 3 साल पहले ही हो चुकी है। फ्लिन को इसके बारे में पता था। वॉल्टर से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे फादर कैसे थे। वॉल्टर कहता है कि वो मेरे ऑपोजिट थे, वो अपने आप को बहुत ही बोरिंग मानता है, तो उसका ब्रदर ये बहुत ही एक्साइटिंग था। इसके बारे में हमें और भी पता चलेगा। यही पर पास फ्लिन ने एक वुडन स्वॉर्ड देखी। वॉल्टर ये नोटिस करता है और कहता है, मुझे बहुत साल हो चुके इसे ट्राई किए हुए। फ्लिन वॉल्टर से एक मैच खेलना चाहता है। ये दोनों स्वॉर्ड फाइट करते हैं। इस स्वॉर्ड फाइट में वॉल्टर फ्लिन को हरा देता है। ये जो हुआ इस पर फ्लिन बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड फाइट का प्लेयर है और वॉल्टर उससे भी अच्छा। इसके बाद वॉल्टर उसे पूछता है, तुम यहाँ आए क्यों हो? फ्लिन कहता है कि मेरी मदर ने तुम्हें बहुत सारे लेटर्स लिखे थे, क्या तुमने वो पढ़े थे? ये लेटर्स वॉल्टर ने पढ़े नहीं। फ्लिन कहता है, मैं और मेरी मदर हम अलग अलग कंट्री में घूमते रहे हैं, एक जगह पर हम रुके नहीं, एक स्टेबल लाइफ हमने जी नहीं, हमारे पास पैसे नहीं थे तो अलग अलग जगह पर हमें रहना पड़ा। और वो चाहता है कि वो एक स्टेबल जिंदगी जिए, इसी शहर में इसी घर में वो रहना चाहता है। वॉल्टर से कहता है कि अब तुम इस घर से चले जाओ। वॉल्टर कहता है कि मैं मेरे ही घर से क्यों चला जाऊंगा। फ्लिन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी मदर का यह हाल हुआ है, अब तुम्हें चले जाना चाहिए, मुझे एक स्टेबल लाइफ जीनी है। इनकी मीटिंग यही खत्म हो गई। इसके बाद फ्लिन फिर से होटल में आया तो स्काइलर उसे पूछती है, तुम कहाँ गए थे? वो कहता है
कि मैं यही घूम रहा था। वो यहाँ स्काइलर को बता देता है कि उसे एक स्टेबल लाइफ चाहिए, वो यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहता। अगले दिन जब सुबह हुए तब आर्टिस्ट ने वॉल्टर को पेंटिंग भेज दी थी। ये वही पेंटिंग है जिसके बारे में आर्टिस्ट ने कहा मैंने जला दी थी। इस पेंटिंग के साथ उसने एक लेटर भी लिखा है। इसमें आर्टिस्ट लिखता है कि जो भी क्वेश्चंस के तुम आंसर चाहते हो आई होप तुम्हें वो आंसर मिल जाए। इसके बाद वॉल्टर एक जगह पर क्रॉकरी लेने के लिए आया। जैसे कि हमें पता है जब स्काइलर उसे छोड़कर गई थी तो जिस तरीके का घर था उसी टाइप के घर को रिक्रिएट करना चाहता है। अब स्काइलर से मिलने की रात आ चुकी है, वॉल्टर रेडी हो जाता है। उसने नोटिस किया कि जिस तरीके से वो घर छोड़कर गई थी ये अभी भी उसी तरीके का है। वो घर में जब पेंटिंग देखती है तो कहती है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर वो इस पेंटिंग के बारे में भूल चुकी थी। वो पूछती है क्या कल मेरा बेटा यहाँ आया था। वॉल्टर कहता है कि हाँ वो फ्लिन की मदर ही है तो उसके बारे में उसे सब कुछ पता होता है। अब हमें फ्लैशबैक से सब कुछ चीजें पता चलती है कि हुआ क्या था। एक दिन वॉल्टर का ब्रदर वॉल्टर के पास स्काइलर को लेकर आया हुआ था। वॉल्टर ने जब स्काइलर को फर्स्ट टाइम देखा था तभी उसे पता चल गया था यही उसकी वाइफ बनेगी। वॉल्टर हमसे कहता है मेरा ब्रदर और मैं हम दोनों बहुत ही ऑपोजिट थे। ब्रदर का नाम हम फ्रैंक रखेंगे। फ्रैंक बहुत ही एक्साइटिंग था, उसे म्यूजिक अच्छा लगता था, अलग अलग प्लेसेस पर जाना अच्छा लगता था। उसे लगता है कि शायद इसी वजह से स्काइलर ने मुझे धोखा दिया। फ्रैंक ने वॉल्टर को कहा था कि स्काइलर सिर्फ उसकी एक फ्रेंड है, इसी वजह से वॉल्टर ने स्काइलर को अप्रोच किया था। स्काइलर और उसमें फिर एक अच्छी सी रिलेशनशिप डेवलप हुई। फाइनली वॉल्टर ने स्काइलर को उसे शादी करने के लिए पूछ लिया। उन दिनों स्काइलर हमेशा वॉक करने के लिए इवनिंग में जाया करती थी। वो कहा जाती थी इसके बारे में वॉल्टर ने कभी उससे पूछा नहीं था। एक दिन वॉल्टर जब फ्रैंक के पास आया तब वही उसने स्काइलर के इनर वेयर देखे। उसे पता चल गया स्काइलर और उसके ब्रदर में अफेयर है। फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। वॉल्टर स्काइलर को टी के लिए पूछता है। वो कहता है जिस रात तुम मुझे छोड़कर गए उस रात जो टी तुमने मुझे पिलाई थी ये वही टी है। फ्लैशबैक में हम उसी सीन को देखते हैं। स्काइलर वॉल्टर को टी पिला रही थी। वॉल्टर टी को पी लेता उससे पहले ही स्काइलर ने उसे रोक लिया। इसके बाद वो वहां से चली गई थी। और प्रेजेंट में वॉल्टर कहता है कि उस टी को मैंने लेक में डाल दिया था। अगले दिन उस लेक के सब फिशेस मर गए, यानी कि स्काइलर वॉल्टर को पॉइजन कर रही थी। अब जो टी वॉल्टर ने स्काइलर को ऑफर की है स्काइलर भी वो पी लेती है। वॉल्टर अब स्काइलर से पूछता है हमारे शादी के एक दिन पहले क्या तुम मुझे सचमुच में मारना चाहती थी। स्काइलर के साइलेंस से उसे पता चल जाता है कि सच था। अगला क्वेश्चन वो पूछता है क्या तुम्हारा मेरे ब्रदर के साथ अफेयर था। स्काइलर हमेशा बहुत सारी बातें करती है पर अब वो साइलेंट है। वॉल्टर कहता है तुम्हारी खामोशी से मुझे पता चल गया। वॉल्टर हमसे कहता है कि फ्रैंक बहुत ही कूल था पर उसके पास पैसों का मैनेजमेंट नहीं था। हमारे फादर हमारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़कर गए थे। मैंने मेरे पैसों को कंजर्व करके रखा पर फ्रैंक अजीब सी इन्वेस्टमेंट करता रहा। फाइनली फ्रैंक के पास रहने के लिए भी जगह नहीं थी, इसी वजह से वो वॉल्टर के पास आया हुआ था। वो स्काइलर से कहता है कि मेरे ब्रदर के साथ तुम्हारा अफेयर हुआ, अगर तुम दोनों के पास पैसे होते तुम जल्दी से भाग जाते, पैसों के लिए ही तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। एक्चुअल में स्काइलर ने वॉल्टर का एक स्टैम्प लिया, इस स्टैम्प से उसने एक बड़ा लोन ले लिया था। वॉल्टर कुछ करे ना इसलिए उसे वो मारना चाहती थी। पैसे लेकर वो और फ्रैंक भाग जाने वाले थे। ये उसका प्लान सक्सेस हो भी जाता पर फ्रैंक ने उसके साथ आने के लिए मना कर दिया। अब प्रेजेंट में वॉल्टर स्काइलर से पूछता है तुम मुझे मारने वाली थी क्या मेरे ब्रदर को ये पता था। स्काइलर इस पर कुछ भी बोल नहीं रही। वॉल्टर के पास एक टेप है जो उसके ब्रदर ने मरने से पहले वॉल्टर को दी थी। इस टेप में फ्रैंक ने सब कुछ कन्फेस किया था। वॉल्टर ये टेप लेता है और इसे डिस्ट्रॉय कर डालता है। वो स्काइलर से कहता है अगर तुम अब झूठ भी बोलोगे तभी भी मुझे पता नहीं चलेगा। वो अपने ब्रदर से प्यार करता था तो उसके बारे में कुछ गलत सोचना नहीं चाहता। उसे अंदर ही अंदर पता है कि उसका ब्रदर भी इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि जब स्काइलर चली गई तभी एक दिन फ्रैंक ने खुदकुशी कर ली थी। अभी अभी वॉल्टर ने स्काइलर को जो टी दी उसमें कोई भी पॉइजन नहीं था। वो अभी भी स्काइलर से प्यार करता है, उसे हर्ट नहीं करना चाहता। जिस दिन स्काइलर उसे छोड़कर गई थी उसी दिन मास्टर ने उनके लिए डांस भी किया था। आज रात भी मास्टर फेस से उनके लिए डांस करते हैं। अब इनकी मीटिंग खत्म हो गई। जो भी चीजें वॉल्टर को स्काइलर को पूछनी थी उसने पूछ डाली है। अपने मन में जो भी था ये सब कह डाला है। जाते जाते स्काइलर उसे कहती है कि मैं बहुत ही सॉरी हूँ, मैंने जो भी किया वो सब कुछ बहुत गलत था। अब नेक्स्ट डे स्काइलर इस सिटी से जा रही है पर फ्लिन अपना माइंड चेंज कर लेता है। वो इसी सिटी में स्टेबल लाइफ जीना चाहता था पर अपनी मदर को छोड़ नहीं सकता। ये गाड़ी में थे
स्काइलर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा है। इसका मतलब है स्काइलर को लगता है कि फ्लिन के फादर वॉल्टर है। हमने मूवी में देखा था कि वॉल्टर ने फ्लिन को स्वॉर्ड फाइट में हरा दिया। फ्लिन एक अच्छा प्लेयर है तो उसे पता चल गया कि वॉल्टर ही उसके फादर है। वो भी कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब हमें एक्चुअल रीजन पता चलता है कि स्काइलर वॉल्टर और फ्रैंक को छोड़कर क्यों गई थी। वो प्रेग्नेंट थी, उसे पता नहीं था कि बेबी के फादर कौन है। वो वॉल्टर को मारने वाली थी पर उसे पता नहीं था, इसी वजह से उसने उसे छोड़ दिया। वॉल्टर स्काइलर से प्यार करता था तो इसी वजह से उसने पैसे लेकर स्काइलर को जाने दिया। रात में वॉल्टर को होटल से कॉल आया। होटल का मैनेजर कहता है कि आपकी वाइफ और बेटे का बिल आपको पे करना है। स्काइलर जिस होटल में रुकी थी उस सब का बिल वॉल्टर को पे करना पड़ेगा। पर अभी अभी वॉल्टर को पता चला कि फ्लिन उसका बेटा है। ये पता चलने के बाद उसे अच्छा लगा, फाइनली क्लोजर मिला। उसके फेस पर एक स्माइल थी। यही इस मूवी का एंड हो जाता है। ये बहुत एक अजीब एंड था पर वॉल्टर को जो क्लोजर चाहिए था वो फाइनली उसे मिल गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।